मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें उर्दू का विशेष ज्ञान था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए या एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नयाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए थे। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्तसुमन, प्रेम पंचमी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन इत्यादि। इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रहा है। इनके नाटक हैं संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि। इनकी भाषा शैली प्रेमचंद्र जी का विशाल कहानी साहित्य मानव प्रकृति, मानव इतिहास तथा मानवीयता के हृदय स्पर्शी एवं कलापूर्ण चित्रों से परिपूर्ण है। उनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंधा तथा आत्मराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं।